दादी जी थोड़ा बहुत ठीक ठाक हो गई। सुबह 9 बजे से बारिश लगना स्टार्ट हो गया है, पैदल सामान लेने के लिए जा रहे हैं। इतनी तेज बारिश में पापा आ गए हैं, तो मम्मी भी आ गई, इतने सारे नुकसान हो गए ना। प्यारे बच्चों, मैं आज आम खा रही हूँ, आज मैं ठीक हो गई, मरा नहीं हूँ, जिंदा ही हूँ। सामान थोड़ा बहुत बर्बाद भी हो ही रहा। पापा भी डर गए थे, पता है उनकी सगी बहन है यहाँ पे, किसी न किसी के वहाँ पर पैसे इकट्ठा करते हैं। कल तो अम्मा की बहुत तबीयत खराब हुई थी। प्यारे बच्चों, ये देखो खांसी हो रहा है मेरे को। दादी के लिए मस्त रसगुल्ला आ गया। लेकिन सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। सुबह से ही पहाड़ों में बहुत सारा कोहरा छाया हुआ है, कल रात तो यहाँ पर बहुत ज्यादा तेज बारिश हुई थी। अभी भी आप लोग पहाड़ों में देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा कोहरा और बादल छाए हुए हैं। मौसम का आजकल कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बारिश लग सकती है। तो देखो भाई, आज का मौसम भी बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है। लेकिन बरसात के दिनों में पहाड़ों का जो मौसम होता है, खूबसूरती बहुत ज्यादा प्यारी दिखती है। सुबह सुबह पापा जी लोग जाने वाले हैं गोगिना सामान लेने के लिए। पूरा रोड बारिश के कारण तहस नहस हो गया, तभी जाके गोगिना साइड से पैदल सामान लेने के लिए जा रहे हैं। ये रस्सी मेरे दादी जी ने ही, पुरानी साड़ियां थी उसी से बना रखी है सच में, जो कि काफी मजबूत है। सुबह 9 बजे से बारिश लगना स्टार्ट हो गया है और होम स्टे में फूलों की खूबसूरती आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। भाभी लोग भी देखो, अभी बड़े पापा लोगों का सामान लेके आ रहे हैं दुकान का। थोड़ी बहुत टेंशन ये भी हो रही कि हमारा सामान भी कैसे आएगा और सामान पूरा भीग जाएगा। मम्मी लोग पापा लोग कैसे आएंगे, जो जो सामान लेने गए वो कैसे आएंगे ना, रास्ता बहुत खतरनाक हुआ होगा। तो पापा लोग तो ना गोगिना गए हैं सामान लेने के लिए, और भाई इतनी तेज बारिश हो रही है, कैसे जो आएंगे यार आज वो सामान लेके। तो इतनी तेज बारिश में पापा आ गए हैं, तो इतनी तेज बारिश हो रही थी जैसे कि मैंने आपको बताया, और पापा दुकान का सामान आधा लेके आ गए हैं। तो भाई इतनी तेज बारिश में भी इतना सारा सामान लाना मतलब मुश्किल सा पड़ जाता है। आफत आ गई आज, आफत तो आ गई, सामान भीग गया सब, पता नहीं कैसा, अभी देखेंगे। पूरे भीग भाग के देखो भाई हालत कैसी हो गई है। और सामान जैसे यहाँ बाहर ना 5 का मिलता है बिस्कुट, वहाँ यहाँ भी इतने का है ना। तो पापा लोगों के लिए बनाते हैं पहले चाय गर्मा गर्म वाली। अभी का जो माहौल है ना भाई, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ठंडा वाला, पूरा कोहरा छा रहा, बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है। पापा लोग भी देखो भाई गोगिना साइड से आ गए हैं सामान लेके, साथ मम्मी जी भी आ गई है ग्लूकोज चढ़ा के। तो मम्मी भी आ गई भाई फाइनली ग्लूकोज चढ़ा के। नमस्ते। तो भाई कंडीशन देख सकते हो हमारे गांव साइड की ना भाई, अगर रोड ना हो तो किस प्रकार से पैदल ही सामान लाना पड़ता है बरसात के दिनों में। और पूरे गांव में भाई अभी बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो चुकी है, जहां साइड नहीं रोड है वो पूरा टूट चुका है। तभी जाके गोगिना साइड से देखो भाई हमारे भाभी जी लोग सामान लेने के लिए गए थे हमारा। ये गया इलायची, बारिश के कारण इतना सारा जितने भी कॉपी थे सब भीग गए हैं, तो इनको पूरा का पूरा जो है सुखाना पड़ेगा बारिश से। पूरा जो कितने जितने भी कॉपी किताब लिखे थे ये सारा मतलब खराब हो गया। पहाड़ा पुस्तक भी आ रहा है ज्ञान भारती, अगर आप छोटे होंगे ना तो छोटे बचपन में आपने पढ़ा होगा। ये सामान थोड़ा बहुत बर्बाद भी हो ही रखा है, रेट भी वैसी है जैसे देते हैं, जैसे बाहर देते हैं आपको 5 का 5 में 10 का 10 में ऐसे देते हैं। मम्मी जी आ चुकी है ग्लूकोज चढ़ा के, मेरी जो मौसी जी है ना उनके वहाँ से, और ग्लूकोज चढ़ा दिया आपने। जैसे ना दोस्तों मम्मी यहाँ से गई थी भराड़ी, अगले दिन अम्मा की बहुत तबीयत खराब हुई थी, बिना के लिए तो कड़े लेके आई है, और अम्मा के लिए देखो भाई रसगुल्ला, और साथ में ये नाना जी ने भेजा है, तो नाना जी ने यहाँ पर देखो भाई आम भेज रखे हैं। तो हमने घर में पुलम का अचार बनाया था दोस्तों, और ये किसके अचार, कौन सा अचार है, मिर्ची का अचार किसने बनाया था, मौसी जी ने। तो मौसी जी ने भाई घर ही में मिर्ची का अचार बनाया था, वो भी दे रखा है, मिर्ची का अचार बहुत अच्छा होता है। आपको खांसी हो रहा था, मैं जाती हूँ तो तुम लोगों की सबकी तबीयत खराब। ये वाला मकान हमारे बड़ी मम्मी लोगों का है, और यहाँ पर बहुत सारे गांव की महिलाएं भी चलते हैं, क्या चीज होगा सब आपको बताएंगे। जो मेरे सेकंड नंबर वाली बुआ जी ना गोल्फा, जिनकी शादी हो रही है, जो उनके हस्बैंड है हमारे मामा जी, उनकी सगी बहन है यहाँ पे, ये दादी भी है, बहुत सारे गाँव की महिलाएं हैं। बारिश तो यहाँ पर बहुत ज्यादा हो रही है, और पहाड़ों में कितने सारे बादल छा रखे हैं, और बरसात तो पूछो ही मत, और ये मकान तो बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। अभी दोस्तों हम लोग अपने बड़े मम्मी के पास आ गए हैं, और यहाँ पर बहुत सारे महिलाएं हैं जो कि पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, हर महीने मतलब किसी न किसी के वहाँ पर पैसे इकट्ठा करते हैं और उससे कुछ अच्छा काम करते हैं। पहले तो बहुत सारे महिलाएं थी, अब धीरे 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 कम होते जा रहे हैं यार। अभी सभी महिलाएं पैसे जमा करके चले गए हैं घर की तरफ, और आज तो हमारी दादी थोड़ा बहुत ठीक ठाक लग रही है, सर पे तो अभी पगड़ी बांध है। अम्मा कैसी तबीयत अभी, आज थोड़ा बहुत ठीक है। और यहाँ पर हमारी बड़ी मम्मी है,
जो मेरे बड़े मामा जी है ना, मामा जी उनकी बड़ी बहन, बोले मेरा हाँ बोले हाँ। 14-15 परिवार जो है हर मंथ अलग अलग घर में पैसे जमा करते हैं महिलाएं। हर परिवार से एक महिला मतलब पैसे जमा करती है और उस पैसे को इकट्ठा करने के बाद में जो है कुछ अच्छे कामों में लगाती हैं। तो आज ताई जी लोगों के वहाँ पर था, अगले महीने किसी और के वहाँ पर, अगले महीने किसी और के वहाँ पर, तो ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। बाकी अभी मौसम पूरा खतरनाक हो रखा है, वहाँ पर की पत्तियाँ कितनी मस्त लग रही है, इनके तो बहुत बड़े गब बनाए जाते हैं। और खास बात ये होती है ना भाई, बरसात के दिनों में इस प्रकार से पूरे पानी अटकता है इसमें, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है भाई। देखो कल तो अम्मा की बहुत तबीयत खराब हुई थी, आज अम्मा थोड़ा बहुत ठीक ठाक है। आपके लिए एक मस्त चीज लेके आए हैं हम लोग, बहुत बढ़िया चीज। आज अम्मा देखो पहाड़ी में बोली किला है ला, किला है ला का मतलब क्या था अम्मा, क्या लाया? हाँ तो देखो आज अम्मा थोड़ी बहुत जोश में, कल तो बहुत अजीब लग रहा है। बहुत लोगों ने कमेंट भी करा था कि अम्मा ठीक हो जाएगी जल्दी करके, तो ऐसे अपना प्यार बनाए रखिए दादी के प्रति। ये जर्क का पौधा था जो हम लोगों ने मस्त करे बोया था, पता नहीं कौन इंसान होगा जिसने ये तोड़ दिया है, वरना इतने अच्छे अच्छे पत्तियां लगते थे। तो मम्मी लोग भी अभी पुराने मकान पर आ चुके हैं और नाना जी का भी भाई हाल समाचार ऐसे बोल रहे हैं, मम्मी चल नहीं पा रहे कह रहे हैं। दवाई का नाम तो पढ़ो, क्या नाम है? देखो अलविदा खांसी, अलविदा खांसी है एलोवेरा नहीं अलविदा। आज तो मेरी दादी थोड़ा बहुत बोलने लग गई यार, अरे प्यारे बच्चों ये देखो खांसी हो रहा है मेरे को, दवाई ला दे रहे मेरे बहू ने। आ ठीक हो? हाँ। दादी की ये जो बात है अभी सुनी काफी अच्छा लगा, अलविदा खांसी वाली मतलब जोर से। कल ऐसा लग रहा था कि मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक तबीयत खराब होती रहेगी, बट आज बहुत बढ़िया हो गए हैं भाई। अरे दादी के लिए मस्त रसगुल्ला आ गया, लेकिन मेरे से छोटा है ये जो मैं लाया था। तेरे से बड़ा है। अम्मा मैंने कितना बड़ा रसगुल्ला का डब्बा लाया था? इतना ही था। देखो मेरी बीबी मेरा साथ दे रही है। अच्छा इतना बड़ा लाया तू, देख तो बाहर, मेरे बहू ने बड़ा लाया, मेरे बहू ने ये लाया, मेरे नाते ने ये लाया, तो कितना बड़ा लाया। अरे हाँ अम्मा, मम्मी अम्मा क्या करती? मम्मी बड़ी है तो मम्मी बड़ा बलाई, छोटा दे। चलो यार आज ये ज्यादा कमाता मुझसे, आज मेरी बीवी ने मेरा साथ दिया भाई, थैंक यू सो मच मीना। और ये मैं मैंगो लाई हूँ और अम्मा के लिए दवाई, इन लोगों ने तो उस लोग के अम्मा खांसी वाला था तो अम्मा मम्मी अम्मा क्या करती मतलब जो मेरा रसगुल्ला इसका माँ बाप है या नहीं? कर लो मम्मी आ गई इसकी, अब पापा लाना बाकी है इसका। पापा ये है, पापा ये तो बेटा है, ये बेटा है। आपने आपने उस दिन को क्या कहा था आपने? अब इसका घरवाली लाना है। अच्छा ये बाप है मतलब। ये भाई देखो रास्ता इतना खतरनाक था, देखो पूरे आम इस प्रकार से पिचक गए हैं। वो तो अच्छा हाथ में पकड़ के लाई। और नाना जी की तबीयत कैसी है? नाना जी की तबीयत तो ऐसी खराब ही है, जो कि घुटने में दर्द हो रहा है। देखो इतने सारे आम आ गए, 3 किलो था जो कि काफी मस्त है, लेकिन रास्ता इतना भयंकर था कि आम पिचक के ये देखो ऐसा हो रखा है। ये देखो भाई पेट में जाके पकड़ पकड़ के संभल संभल के कांपते हैं। आज तो दादी जी भी ठीक हो गई है, मम्मी जी भी आ गई है अभी ग्लूकोज चढ़ा के, लेकिन थोड़ा बहुत दुख ये हो रहा है ना कि नाना जी बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं, बल अब तो बहुत बुजुर्ग है ना, चल नहीं पा रहा, घुटनों में दर्द हो रहा कह रहे हैं, तो उनसे मिलने भी जाएंगे ना। अनार के दाने लाल लाल, आम खाते गुठली के दाम, अरे भगवान कहाँ गुठली के दाम, आम खा आम खाते राहुल लाल। आज तो मेरी दादी देखो आम खा रही है, आहा कितनी प्यारी लग रही है आज। आम खा रही हूँ मैं आज, देखो तो खांसी ज्यादा होता है क्या होता है। प्यारे बच्चों मैं जिंदा हो गया हूँ, प्यारे बच्चों मैं आज आम खा रही हूँ, आज मैं ठीक हो गया, मरा नहीं हूँ, जिंदा ही हूँ, लेकिन मरने वाला शायद मेरे ख्याल से आज कभी अभी नहीं मरने वाले हूँ शायद मैं। ऐसा मत बोलो यार, ठीक हो रहा है ये खा रही हूँ। धन्यवाद आपका, मेरे जो मेरे लिए टेंशन कर रहे हो आप, टेंशन भी मत करना मेरे तरफ से, धन्यवाद। अरे वो तो ठीक है, आपकी बहू है क्या, बल मौत तो आएगी, बल आएगी एक ना एक दिन तो मरना ही, तो अभी से क्यों मरना हो रहा, 2 दिन की जिंदगी जीना था इंसान ने, कैसा क्या। ये देखो कहने का मतलब उनका है कि 2 ही दिन जियो बल, ये आगे बोल आज और कल बल, देखो ऐसे हैं बहू हैं आपके दोनों के दोनों, मजे से आम खा रहे हैं और आपको मर मारने की बात कर रहे हैं। एक ही आपका नाती अच्छा बोन पहाड़ी का अम्मा भी नहीं देख रहे हो, वो मतलब प्राण खींच रहा है उसको, उधर से वो गाना गा रही है।
कर गए। तो अम्मा लोग भी उनके दादी और पवन दा को भी अच्छा मानते हैं, सच में बहुत ज्यादा। हमारे क्षेत्र से ही बिलोंग करते हैं, मिलना उनसे। उसकी अम्मा से, उनकी अम्मा तो ऊपर चले गई, वहाँ कहाँ जाएंगे हम? मैं जाऊंगा ना। ऐसा मत बोलो, देखो तो अब बहुत जल्दी सफर करोगे तो वापस नहीं आओगे। पाँ को जाएंगे हम, पाँ को जहाँ रहते हैं। तो आज भाई दादी जी थोड़ा बहुत ठीक ठाक हो गई है, देखो आज तो बहुत खुश हो रही है, तो मस्त हो गया। अम्मा बाय बाय। आज तो देखो भाई जोर जोर से बोल लिया आम खा के, मतलब बोल लिए क्या कहते हैं, आम खाते मिठू लाल नहीं बल्कि आम खाते गुठली के दाम बल। शाम का समय हो गया दोस्तों, अभी थोड़ी बहुत बारिश की बूंदाबांदी हो रही है, यहाँ साइड से पूरा कोहरा आ रहा है। तो दादी की तबीयत में भी थोड़ी बहुत सुधार हो चुकी है। कल मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय देव उत्तराखंड। मेरा प्यार है प्रणाम आप सभी को।